नहीं किया तुम्हारी माइंड जो तुम एकदम से चेंज कर देते हो, आज ये नहीं करते ये करते, किसी का चेंज कर ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे हर रूम में इतने बड़े बड़े ड्रेसिंग है ना। सो गाइज, आज मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर, बिकॉज अभी हमने शिफ्ट किया है और आज शूट हो रहा था, सुमेश के चैनल का शूट था, बट एज यूजुअल सुमेश बहुत लेट आए। अभी बजे हुए हैं एक बजने वाले हैं। आशा जी अब आए हैं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है बाहर से। अब मैं तो ऑफिस का व्लॉग बना रही हूँ, मैंने तो सोचा था कि उनका शूट चल रहा होगा तो प्रॉपर मैं बना रही होंगी, पर अब उन्होंने मुझे कहा कि कुछ और काम कर लेते हैं, अब शूट नहीं कर रहे आज। कोई तरीका होता है यार, हर वक्त लेट, और मैं आज और कोई शूट नहीं होने दूंगी, ये चीज़ मैंने सोच लिया फाइनल। अब आई हैं, बोलेंगे कि कुछ और कर लेते हैं, काम करते हैं, फेसबुक शूट कर लेते हैं। नहीं होता ना ऐसे, छोड़ो। खैर, हम दिखाते हैं आपको ऑफिस जो हमने चेंज किया है, तो कैसी है ये लोकेशन, क्या क्या है यहाँ पे, हमने कैसे सेटअप किया है। तो ये है हमारा एंट्री गेट, ठीक है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है, बट स्टिल लाइक अच्छा है, अच्छा बना हुआ। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। यहाँ से हमने एंट्री किया, उसके बाद ये हमारी मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे है हमारा ड्राइंग रूम जो मैं आगे से घूम के आपको फिर दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने अपने छोटे छोटे सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ ऊपर भी। ये हमारे टप्पू के खिलौने, उसका पानी सब रखा हुआ है। यहाँ से किया हमने एंट्रेंस, और ये हमारा टप्पू। हाय, से हेलो। हेलो, वेरी गुड। सुमेश आ चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं, अब आ रहा है ये बंदा। शूट था आज, हट जाओ। चलो ठीक है, ये है हमारा डिसीज़ हमेशा, हमने यहाँ लगाया हुआ है। ये सोफा कम बेड है, ये डाइनिंग टेबल। क्या डाइनिंग टेबल, क्या डाइनिंग टेबल दिखा रहे हो? क्या जैसे जैसे व्लॉग आ रहा है, ये रहा मेरा भाई है। हाँ तो बनाऊंगी, बोलो, बनाऊंगी। तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना कि अपनी कोई वो कमिटमेंट दूं फिर उससे मुकर जाऊं, एट ए टाइम बोलूं अब ये नहीं ये कर लेते हैं। मैं भी अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं अपना काम करती हूँ। मैंने तो सोचा था ना मैं आज व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं बना रही हूँ। क्या दिखाओगे सारा दिन? दिखा दूंगी कुछ भी, मुझे दिखाओ तो व्यूज आएंगे। ओहो, मत रहना किसी। तो ये हमारे डी ओपी सर, ये भी बेचारे सुबह के आए हुए हैं, 2 घंटे हो गए इनको। चलो जानी है, स्क्रिप्ट पर लिखे होंगे। चलो, कौन सा शूट, कैसा शूट? शूट, फेसबुक का शूट। कोई शूट नहीं हो रहा आज सिर्फ व्लॉग ही शूट होगा और कुछ नहीं होगा। तुम्हारा शूट था, तुमने कैंसिल किया, अब मैं जो जाऊंगी वही। अरे मैं बताता हूँ, जो कल तैयारी लड़की रेंज नहीं है, आज अपन सारा दिन शूट से रहते, कल फिर भी नहीं होना सी शूट। था ना तुम्हारे पास, कल का टाइम था ना तुम्हारे पास? अरे तो नहीं हुई ना लड़की, नहीं हुई कभी नहीं। रात 2 घंटे मेरे को वीडियो फाइनल करवाने में लगे हैं, फेसबुक वाले रोज रात को 2 घंटे लगते हैं चेंजेस भेजने में, सब कुछ करवाने में। मुझे इतना पता है आज शूट था, बेचारे डीओपी सर भी इसी होप में आए थे यहाँ पे, प्रॉपर उसी माइंड सेटअप के साथ आए थे। 1 बजने वाला, क्यों नहीं होता? मेरा माइंड सेटअप नहीं होता, मेरा सिर दुख रहा है। तुम्हारा तो रोज दुखता है। घूमेंगे फिरेंगे, व्लॉग दिखाते हैं, चलो फिर आज। मैं तो व्लॉग ही बनाऊंगी, मैं नहीं कर रही कोई 2 मिनट में अपनी कमिटमेंट से भी चेंज, अब फेसबुक शूट भी नहीं। इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ वो तो मैंने बोला ना, पर तुम इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। मैं बहस नहीं कर सकता, मैं उस मूड में नहीं हूँ, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है। इन लोगों को छोड़ो दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा ऑफिस की हम आज शूट तो कर नहीं रहे, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। पुतनु सब तो पहला लेता है, ये हमारे सोने की चैन बनवाएंगे जब हमारे सुमेश के व्लॉग्स पे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे दोस्तों, और सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर आपने इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए तो हम इसके लिए टप्पू बनवाएंगे सोने का, मतलब लिखवाया हुआ। दिख रहे हैं ये नए सोफे हमने लिए स्पेशली, 100 के होने वाला है आज हमारे सुमेश के ब्लॉग पे 100 के होने वाले हैं बॉस। मेरी साइड से डन है आज, आज कोई शूट नहीं हो रहा, मैं ये चीज रोज रोज बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारा रोज लेट आना। लेट आने के कारण तुम्हारी माइंड जो तुम एकदम से चेंज कर देते हो, आज ये नहीं करते ये करते, किसी का चेंज नहीं। कभी लाइफ में डाउनफॉल आता है, मेरा भी चल रहा है, तू करने दो मेरे को माइंड सेट है। लेट कोई व्लॉग, कोई आपने अभी तक जितने भी व्लॉग देखे किसी में देखा आज सुमेश टाइम पे? एक दिन भी नहीं हुआ होगा, फायदा नहीं हुआ इतनी दूर से तुम्हारे आने का। मैं जाऊं फिर, मेरा घर बहुत दूर है। तभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी, तभी तुमको पता चलेगा कि हाँ टाइम की इम्पोर्टेंस को इंसान समझे। साडा यार इन्हां नूं मैं तुहानू दिखानी आ साडा ऑफिस। इट इज आवर ड्राइंग रूम, दिस इज आवर फ्रिज, ये हमारे फ्रिज का सामान है, हमारा किचन,
जो अब आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। मेरी वीडियो में आप देख भी चुके हो, जो भी रिसेंट मेरी वीडियो आई थी उसमें। डाइनिंग टेबल ये भी हमने लिया था अभी, न्यू ब्रांड न्यू। वॉशरूम है, ये कॉमन वॉशरूम है, तो मैं इसको बंद करती हूँ, बाहर चलते हैं। जाते हैं हमारे दो बेडरूम, ठीक है। और ये वाला बेडरूम हमने रखा हुआ है शूट्स वगैरह के लिए। ये बेड भी हमारा न्यू न्यू आया है। विशाल कपड़े संभाल के रख रहे हैं, तय करके रख रहे हैं। ये है हमारा बैकयार्ड जहाँ पर हम कपड़े धो के डालते हैं। यहाँ बारिश हो रही थी और आज भी काफ़ी बारिश है, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है बैकयार्ड भी। ये है यहाँ पे वॉशरूम, ठीक है। और वॉशरूम के साथ है ये ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे हर रूम में इतने बड़े बड़े ड्रेसिंग्स है ना। ये है दूसरा बेडरूम, बट इसको हमने बेडरूम की तरह रखा नहीं हुआ, बिकॉज हमने यहाँ पे सारे स्टैंड लाइट अभी ऐसे रखा हुआ, अभी अभी सेटअप किया है तो इतना टाइम नहीं मिला, पर इसमें कुछ अच्छा करेंगे, कुछ हुआ हो और उसकी फिर व्लॉग भी बनाएंगे फॉर श्योर। अभी हमारे सारे स्टैंड, बैग्स, कैमरा एंड ऑल, प्रोप्स का सामान सब वही रखा हुआ है। ये भी ड्रेसिंग रूम है जो कि उस वाले कॉमन वॉशरूम से अटैच है। ये देखो यहाँ पे भी ड्रेसिंग रूम है प्रॉपर। और ये हमारे प्ले बटन, मेरा प्ले बटन हेयर का, और जल्दी अब यहाँ पे आने वाला है सुमेश के व्लॉग का प्ले बटन। ऊपर का पोर्शन दिखा रही हूँ अभी मैं आपको, ये ऊपर है पहले मेरा रूम। हैव अ लुक, ये वही बेड था जो वहाँ पे था, उसे हम यहाँ ले आए हैं। ये मेरा बेड, मैं यहाँ सोती हूँ। ये मेरी अलमीराज हैं, इन अलमीराज में मेरे कपड़े हैं, देखो कपड़े कपड़े। यहाँ पे चदरें, बैग्स एंड ऑल। यहाँ पे मेरे रूम में ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ हर रूम के साथ अटैच बड़े 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 ड्रेसिंग रूम हैं। यहाँ सब मेरा मेकअप का सामान, समथिंग एक्स्ट्रा, सब मेरे रबर बैंड्स वगैरह, मेरी ज्वेलरीज। के बाद ये है मेरा वॉशरूम, दिस इज माय वॉशरूम। तो यहाँ और कहीं नहीं आता, सिर्फ मैं ही आती हूँ। देन दिस साइड, यहाँ बैक साइड पे बालकनी है, हमारी बालकनी। धूप भी आ चुकी है। यहाँ मेरे रूम का एसी लगा हुआ है। ये वही बैकयार्ड था जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। ये स्टेयर्स जा रही है ऊपर की ओर। टेरेस पे कुछ नहीं है, बस सब ओपन ही पड़ा हुआ है। कोर बेडरूम है, बट अभी इसका कोई यूज हमने स्टार्ट किया नहीं है। एज आई सेड, अभी हमें दो दिन ही हुए हैं यहाँ पे सेटल अप किए हुए, तो सारा ऊपर हॉल पड़ा है ओपन। इसको हम शूट में किसी भी वे में यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टेरेस, ये हमारा टेरेस प्रॉपर खुला डुला। ये हमारी छत। कैसा लगा आपको हमारा ये नया लोकेशन जो आपको सब वीडियोस में दिखेगा, दिस इज सुमेश की वीडियोस में, मेरी वीडियोस में, आपको सब वीडियोस में यही लोकेशन दिखने वाली है। पॉपकॉर्न खाने, ही लव पॉपकॉर्न, इसको है कि मुझे और चाहिए। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, गुड बॉय। मतलब स्क्रिप्ट शेयर करा था एंड भी पढ़ ला एक बार, पढ़ ला बचपन में करते थे ये सब, ना चौकी में करता था मैंने। I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. इतना सिर्फ भारी भारी लग रहा है ना, जैसे कोई बहुत टेंशन हो, जबकि मैं टेंशन ले नहीं रहा अब कोई, फिर भी ऐसा लगता है मेरे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा बोझ डाला हुआ है। पूरा दिन वेस्ट हो रहा है तुम्हारे कारण। कर रहे हैं शूट,
मैं करूंगी नहीं। पर तुम्हारे वजह से हुआ ना शूट, मेरी वजह से क्यों हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने माइंडसेट चेंज किया, अब मैं करने नहीं दूंगी। माइंडसेट क्या होता है बंदे का, माइंडसेट क्या, एक मिनट, माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है? माइंडसेट की डेफिनेशन ये है कि आई वाज प्रिपेयर्ड कि हाँ 10:30 जी 11 जी शूट स्टार्ट हो रहा है, मुझे उसका वो करना है। तुम्हारी नहीं चलेगी क्यों जतिन जी? नहीं चलनी चाहिए ना। हाउ कैन ही से दैट? वो कह नहीं सकता, वो कह नहीं सकता बेचारा, कहना तो बहुत कुछ चाहता है वो। अब कोई शूट नहीं होगा, सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन हो गया, केक कट कर दिया, और क्या सेलिब्रेशन करना। मन कर रहा है चाप के साथ रुमाली रोटी खाने का। मूड ऐसे है, मैं ना मैं शूट के मूड से आया था मैं अभी सुबह, लेकिन जब मैं सुबह उठा मेरा सिर बहुत भारी, जैसे हैंगओवर नहीं हो जाता दारू वारू पीने के बाद रात को, भयंकर भी होगी फिर। अरे भाई का पार्ट है कुछ, मुझे किसी बात की थोड़े दिन से बहुत टेंशन चल रही थी, चल रही है, हाँ है, बट मैंने ठीक कर दी उसको, क्योंकि मैंने सोचा कि टेंशन लेने का कोई फायदा ज्यादा है नहीं। तो उस दिन के बाद से मेरे माइंड से ना थोड़ा सा बोझ सा हुआ बड़ा, सर भारी भारी सा हुआ बड़ा है। और जब मैं शूट के लिए सुबह, मैंने कहा फक मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मैंने कटिंग नहीं करवाई बालों की। तो सुन रहे हो दोस्तों, शूट कैंसिल करने का रीजन ये था कि इन महाशय जी ने अपनी ये तो सही है भाई, बाल बाल, बाल, बाल बाल देखो बाल, कौन कहेगा ये लड़का है। और क्या होगा, 100 के हुए जिस हमारे चैनल के सुमेश के ब्लॉग, जिस पे आप सॉरी ये ब्लॉग ही देख रहे हो, तो ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस, मैं आपको सच में बताऊं। देखो वेरी फ्रेंकली, थोड़ा अपना घर चला पाए क्योंकि हमारा काम ही यही है, ठीक है। लेकिन ये हमारा एक बहुत ही सेकेंडरी चैनल है जिसपे हम आप लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सर रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, जीरो रेवेन्यू है। हम आपको रेवेन्यू भी दिखा सकते हैं, अभी दिखा रही हूं मैं यहां पे, देखो स्क्रीनशॉट ये देखो। तो इससे कुछ बनता बनता नहीं है, ये सब ये जो व्लॉग्स वगैरह ये सब आपसे कनेक्टेड होने के लिए हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो सपोर्ट करें ताकि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, जिसको देख के मैं बहुत खुशी हो। बस शूट तो मैं होने नहीं दूंगी, दो वीडियो शूट व्लॉग बन रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो। नहीं मतलब मैंने सुबह सोचा था कि अब तुम आओगे, तुम लेट, शूट तुमने कैंसिल किया था, वो तो तुमने किया ही था ऑब्वियसली। फिर सुमेश ने मुझे फोन पे कहा था कि हम ना फेसबुक शूट करेंगे, तो ये हमने मिलकर सोचा था कि हम प्रैंक करते हैं, हम शूट नहीं करने देंगे सुमेश को। आएंगे वो कहेंगे चलो फेसबुक शूट करिए, शूट करन दे, मैं कहा पहला क्यों नहीं करना, नहीं करना, पर वो कहेंगे करना है करना है, तुसी कहया ही नहीं, तुसी क्या हां ठीक नहीं करना, तुम इतनी इजीली मान गए। नहीं मैंने वो भी किया, मैंने पढ़ के मैंने यही भी बोला, मैं कि कर लेते हैं ना, मैं पता क्यों नहीं बोला, मैं कि मैं तुमसे ज्यादा बहस करूंगा तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, फिर इसलिए मैंने कहा ठीक है नहीं करते शूट पे, क्या समझ आया लगे जी, मैंने लगे चलो ठीक है होएगा। फिर मैंने इनको कैसे, मैं कि जो शूट होने लगे ना करन ना दो, स्टैंड स्टूंड घेर दो, जो वीडियो सोच रखी है ना मैंने उसको निपटा दो, फिर मैं नए सिरे से शुरू करूंगा काम, आगे कर लेंगे फटाफट। अब नहीं होता, अब तो प्रैंक हमने सीरियस ले लिया। प्रैंक सोचा था उल्टा प्रैंक गॉन रॉन्ग, और अब हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन करने 100K का, चाप खाने जा रहे हैं। इनके ऐसी तैसी कर दी सुमेश तुमने, तुम्हारी वजह से हमारा प्रैंक खराब हुआ है। मौका नहीं दिया मैंने इतनी बार कोशिश की, अरे मेरा कितना फोर्स किया कि कर लेते हैं शूट कर लेते हैं, फोर्स इजीली किया यार, ऐसे थोड़ा करता है, कर लेता करना यार शूट निकालो गाइस, एंड ऐसे करता है बंदा। ब्रो तुम्हें खुद पता होना चाहिए ना कितना कुछ कोठी का रेंट, एडिटर की सैलरी, ये वो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए ना निकालना है कुछ रोज। तो हमने हमारा ऑर्डर कर दिया है, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, बिकॉज टेस्टी बहुत है वहाँ की चाप, बट वहाँ पे लाइक उन्होंने सिटिंग नहीं बनाया हुआ, तो हम अपनी गाड़ी में बैठ के ही खाने वाले हैं। पेट्रोल गाड़ी को सब कुछ बनाया हुआ है, नीचे क्या अंदर बालसी है, गाड़ी चेंज करने का टाइम है, क्या फ्रिज अंदर कमेंट भी आएंगे अब तो भाई, कोई ना भाई आएंगे 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 कोई ना, गाड़ी 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 के बहुत ब्लॉग्स बनाए, गाड़ी नहीं आई तो क्या हो गया, नहीं आई कोई रीजन है इसलिए नहीं आई ना, मैं आंधी से पहले तूफान लाना चाहता हूँ। गाड़ी को लेके मैं बात उसे पीछे नहीं हट रहा कि यार गाड़ी का व्लॉग्स बनाए थे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी क्यों नहीं ली, देखो कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इश्यूज भी नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दी थी, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी हमें तो हमने वहां पे पैसा डाल दिया फ्रेंकली स्पीकिंग। तो अब गाड़ी तो यार देखो डेप्रिसिएशन वाली चीज है, उसके तो 20 की ले लो, 25 की ले लो, 10 की ले लो, उसके पैसे कम ही होने, बट पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे अगर आपका पैसा राइज हो, बिकॉज हम अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम पैसा बहुत सारा फूक सकते हैं, सो इन्वेस्टिंग टाइम है तो इन्वेस्ट करना सही लगा, इन्वेस्ट कर दिया। अब जब कुछ टाइम बाद गाड़ी भी ले लेंगे, अच्छी लगेगी तो ले लेंगे, क्योंकि गाड़ी बस 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 समझ गए बोलते जा रहे।
चाप कब आएगी अब ये बताओ। चाप तो भाई चाप वाला बंदा, ये हमारी चाप आ चुकी है पर हमने सोचा कि हम बाहर ही चलते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, है ना? हाँ जी। चलो। अरे यार पता क्या, मौसम अच्छा है और कंफर्टेबल है, फिर हमने कहा यही खाते हो रही है हमारी तो 100 के पूरे होने की। हम मीठा मीठा तरबूज खाएंगे ना, है ना? हाँ ठीक है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। एक चम्मच ले आ दो मेरे और पर। एंड मेरा मैं जतिन गुड्डू तीन गए आज के हमारे ब्लॉग से हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं, जब मौका मिले ना निकल लो, फिर एंजॉय काम तो होता रहेगा। काम का कुछ नहीं पता, ब्रांड का खोला है, परसों वीडियो चाहिए, अभी भगदड़ बज गया। आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, बिकॉज अब हम करने वाले हैं एक सीन, एक फेसबुक था जो हमने यहाँ करना है, तो मैं उसके लिए चेंज करने जा रही हूँ। Guys, we are done with the shoot और अभी मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। चलो ठीक है दोस्तों, बाय। मैं टप्पू को लेके पार्क में जा रही हूँ, करो कल के शूट की तैयारी। बाय सर। अभी ये लोग जा रहे हैं, अभी कल है हमारा सुमेश के चैनल का शूट, तो उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। सुमेश ने कटिंग वगैरह करवानी है जो उनकी रह गई थी, और मैं और टप्पू जा रहे हैं पीछे पार्क की तरफ घूमने। सॉरी गाइस, पार्क से आते ही बिकॉज मैं बहुत लेट हो रही थी, तो मैंने आज बनाया है कढ़ी, जो कि मैंने सुबह के लिए काट के रखा था, बट फिर हम चाप खाने चले गए थे तो हमारा कढ़ी नहीं बन पाया था, सो भी मैंने बनाया। और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और इतना भी बुरा नहीं है, मतलब खाया जा सकता है। सो अभी मैं करूँगी इस व्लॉग को एडिट ताकि ये कल सुबह जा पाए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली है लाइफ अगर डेली व्लॉग कर रहा है तो, बट लेट्स सी जितना कर पाएंगे उतना करते हैं। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। कल है शूट तो काफ़ी तैयारियां भी करनी है, जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।